नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। वन विभाग और वन निगम की टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए नगरा तराई में एक ट्रॉली से अवैध रूप से रखे 8 सागवान के नग बरामद किए। आपको बता दें कि वन निगम को और वन विभाग को सूचना मिली थी कि नगरा में एक आम के बाग में ट्रॉली खड़ी हुई है, जिसमें सागवान के अवैध नग निगम की लॉट से चुराए गए हैं, जिस पर टीम ने संयुक्त रूप से छापा मारकर दक्षिणी वन वसा कक्षा संख्या 1 वन निगम की लॉट से चोरी किए गए सागवान के 8 नग बरामद किए। वन विभाग ने कार्यवाही करते हुए ट्रॉली को सीज कर लिया, तो वहीं ट्रॉली के मालिक की तलाश की जा रही है। आइए पूरी खबर जानते हैं खटीमा से हमारे संवाददाता केदार सोनकर की इस रिपोर्ट में। प्रभागीय वनाधिकारी महोदय रायपुरवी अल्लानी है, उपप्रभागीय वनाधिकारी खटीमा के दिशा निर्देशों में मेरे द्वारा जो है किलपुरा रेंज और खटीमा रेंज दोनों जगह पर रात्रि गश्त की टीमें गठित की गई, और मेरे को कल जो है सूचना भी मिली थी कि नगरा साइड में कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो मेरे द्वारा एक टीम गठित की गई रात को। तो नगरा हमारे यहाँ जो है कक्ष संख्या जो है 1 है, उसमें जो है हमारे यहाँ बगल में उसमें लॉट संख्या 59 है, जो बनने में उनको जा रहा जो है पातन किया जा रहा है। तो हमारी टीम वहाँ पहुँची थी तो सूचना मिली कि एक ट्राली जो है नगरा क्षेत्र के कोई आम का बाग है वहाँ पर खड़ी है। तो मेरे द्वारा वन निगम की टीम के जो कर्मचारियों द्वारा जो है वहाँ पर जो है देखा गया, तो उसमें जो है 8 नग जो है सागवान के लदे हुए थे। मौके पर ट्रैक्टर नहीं था, खाली ट्राली खड़ी थी। मेरे स्टाफ द्वारा जो है तुरंत जो है उसको सीज कर जो है खटीमा जो है पौधालय में जो है उसको जो है पकड़ कर सीज कर दिया, और विधि और अपराधियों के विरुद्ध जो है विधि कार्रवाई की जा रही है।